सोवियत सोल्जर पहले सैनिक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया था। 23 जुलाई 1944 को उन्होंने सबसे पहले मजदेनिक कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया। वहां सोवियत सैनिकों ने दहशत की जो तस्वीर देखी उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैवानियत की जो तस्वीर सोवियत सैनिकों ने वहां देखी थी, जब उन्होंने उसके बारे में दुनिया को बताया तो संसार के ज्यादातर लोगों ने ही उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मतलब दुनिया को इस बात की खबर ही नहीं थी कि जर्मनी और उनकी ऑक्यूपाइड कंट्रीज में यहूदियों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। नेक्स्ट, ऑन्सकर शिंडलर, जो कि जर्मन नाजी पार्टी के एक मेंबर थे। इन्होंने अपनी सारी धन दौलत यहूदियों को नाजियों से बचाने में लगा दी। इन्होंने हजारों यहूदियों की जान बचाई और अंत में ये एक बेहद गरीब आदमी के रूप में मरे। ये अकेले ऐसे नाजी थे जिन्हें इसराइल में दफनाया गया था।